नमस्कार, जय श्री राम, नमो नारायणाय नमः। मैं अरविंदानंद जी महाराज आज श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के विषय में चर्चा करेंगे कि अगर पंडित जी किसी कारणवश अवेलेबल न हो, उपस्थित न हो, तो श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा किस तरह से की जा सकती है और उसमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम गेहूं के आटे का चूर सवैया मात्रा में आप ले लें, सवा पाव, सवा किलो या यथाशक्ति अनुसार मात्रा सवैया होनी चाहिए। धूप बत्ती, दूध, दही, मधु, शक्कर इत्यादि सारी सामग्री लेकर के उससे पंचामृत बना लें। तुलसी का पत्ता ले लें, केले के खंभे को या तो केले के पत्ते को चौकी पर विधि पूर्वक सजा करके श्री सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएं और सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रारंभ करें। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, वरुण देवता का पूजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करें। कथा क्या है? एकदा नैमिषारण्ये ऋषियो सनकादयः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा कि जब कलयुग का प्रारंभ होगा तो मनुष्य अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार को कष्ट को भोगेंगे, झेलेंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा। सुत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के तट पर 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि एक समय नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने नाना योनियों में उत्पन्न सभी जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट को भोगते हुए देखा। उनके मन में विचार हुआ और वह विष्णु लोक को गए। वहां जाकर के शंख चक्र पद्म और वनमाला से विभूषित श्री नारायण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और स्तुति पूर्ण हो जाने के बाद भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आप यहाँ किस कार्य से, किस प्रयोजन से आए हैं, कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य अपने कर्मा अनुसार अनेक प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके। भगवान ने कहा, श्री सत्यनारायण का एक ऐसा व्रत है कि जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं, पुत्र आदि की प्राप्ति कर सकते हैं, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। जब इतनी बात नारद जी ने सुना
तो नारद जी कहे कि प्रभु इस व्रत के विधान को आप मुझसे भली भांति बताइए और इस व्रत को कब करना चाहिए यह भी बताइए। भगवान ने कहा कि श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी मनुष्य करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और इसको करने का विधान दूध दही मधु शक्कर घी इत्यादि सारी सामग्री मिला करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं और प्रसाद के रूप में गेहूं के आटे का चूर सवैया मात्रा में लेकर के प्रभु को नैवेद्य के रूप में भोग लगाएं और किसी कारणवश यदि गेहूं के आटे का चूर न मिल सका तो चावल के आटे का चूर ही लेकर के उसका प्रसाद बनाएं और फल के रूप में पके हुए केले का फल प्रभु को निवेदित करें और प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और कलयुग में विशेष करके श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा से छोटा और दूसरा कोई उपाय नहीं। एक समय की बात है, रमणीय काशीपुर नगर में वाराणसी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे और उनकी दिनचर्या थी कि प्रतिदिन इधर उधर घूमा करते थे। एक समय श्री सत्यनारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए और पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतिदिन नित्य पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमा करते हैं, कारण क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए ही पृथ्वी पर इधर उधर घूमा करता हूँ ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। जब इतनी बात भगवान सुने तो बोले, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? जब इतनी बात भगवान ने कहा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि उस व्रत के विषय में हमें जानकारी नहीं है, आप उस व्रत के विषय में मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से व्रत के विधि विधान को भली भांति बता करके अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण देवता सोचने लगे, रात भर उन्हें नींद नहीं आई और प्रातः काल उठ करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उन्हें भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से पूजन की सारी सामग्री लेकर के अपने घर गए और विधि विधान के साथ अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत किए और कथा श्रवण किए। उस कथा के प्रभाव से उन्हें धन धान्य की वृद्धि हुई, पुत्र आदि की प्राप्ति हुई। एक समय वह ब्राह्मण देवता अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक एक लकड़ी बेचने वाला उनके यहाँ आया और देख करके आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि कल तक तो इस ब्राह्मण की टूटी हुई झोपड़ी यहाँ पर थी, आज इतना सुंदर महल कैसे बन गया। किसी तरह वह महल के करीब जा करके ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोला कि प्रभु हे ब्राह्मण देवता, यह सब कैसे हुआ? ब्राह्मण देवता ने कहा, यह सब श्री सत्यनारायण भगवान
के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जब इतनी बात वह लकड़हारा सुना तो वहीं बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और कथा पूर्ण हो जाने पर प्रसाद ग्रहण करके पुनः लकड़ी का गट्ठर अपने मस्तक पर रख करके चल पड़ा। और जब चला तो वह भी विचार करने लगा कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करूंगा। वह ऐसे नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे और उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ और उसी धन से वह भी पूजन की सामग्री लेकर के अपने घर आया और विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण देवता और वह लकड़हारा इस मृत्यु लोक में जब तक इस धरती पे थे सारे सुखों का उपभोग करके अंत में उन लोगों को वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसी तरह से आप 5 अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को श्रवण करें, सुने, उसके बाद जितने लोग वहां पर उपस्थित हैं सब लोग सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, तत्पश्चात अपने अपने घर को जाएं। ऐसा करने से हमारी जो भी मनोकामना है निश्चित ही सत्यनारायण भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।